के अंदर आगाही पैदा करना और जो लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में मरीज को मैनेज करते हैं उसके लिए लिमिटेड रिसोर्स को मद्देनजर रखते हुए हॉस्पिटलाइज करना ताकि शर अवात में कमी लाई जाए और माशरे को इसके काम की तरफ ले जाया जा सके। सराय महाजर रेस्क्यू 1122 बखर की जानिब से सराय महाजर प्रेस क्लब में 3 रोज़ा कैडर कोर्स का इनेकाद किया गया। एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर का लेक्चर और अमली प्रैक्टिस भी कराई गई। रेस्क्यू 1122 बखर की जानिब से सराय महाजर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के अरकान के लिए कम्यूनिटी एक्शन फॉर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के तहत 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। वर्कशॉप में रेस्क्यू टीम मोहम्मद रिजवान खान, फारूक अहमद और इफ्तिखार ने प्रेस क्लब इमरान को तरबियती तमाम प्रेस क्लब इमरान ने इस तरबियती वर्कशॉप में शिरकत की। वर्कशॉप में एमरजेंसी से निपटने के लिए बुनियादी तदाबीर भी बताई गई। इसमें बताया गया दिल का दौरा पड़ने की सूरत में कैसे मर्ज को इब्तदाई इमदाद देनी है और इसको हस्पताल मुंतकिल करना है, जबकि पानी में डूबते शख्स को कैसे इमदाद पहुँचानी है। इस तरह हादसात की सूरत में एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने, आग से बचाओ और तमाम तर एमरजेंसी से निमटने के लिए तरबियत दी गई। इस मौका पर लेक्चर्स भी दिए गए और अमली प्रैक्टिस भी करवाई गई। इंस्ट्रक्टर मोहम्मद रिजवान खान ने बात करते हुए कहा कि इस कैडर कोर्स का बुनियादी मकसद अवाम में एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने और मरीज को अच्छे तरीके से अस्पताल मुंतकिल करना है। इस तरह से वक्त का भी ज़िया ना हो और कीमती जानों को भी बचाया जा सके। बेहतरीन कोर्स करवाने पर सराय महाजर प्रेस क्लब की तरफ से रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर को तारीफी सर्टिफिकेट भी दिया गया। रिपोर्ट चौधरी नासिर के साथ, मामला न्यूज़, सराय महाजर, बखर।